भाई बलवंत सिंह राजोआणा ने अमित शाह नूं चिट्ठी लिखी है। उन्हें इस चिट्ठी विच पार्लीमेंट विच अमित शाह द्वारा किए गए सवालों का जवाब दिता है ते नाल ही आप भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्हें अपनी चिट्ठी विच लिखिया है कि सब तो पहला मैं समुची मानवता की चढ़ती कला लिए उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी अगे अरदास करता हाँ। तुसी देश की पार्लीमेंट विच खड़ के 28 सालों तो जेल और 17 सालों तो फांसी चक्की विच बैठे मैनू संबोधन होंदे हुए ये किया कि जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है जेकर उसनों अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है पछतावा ही नहीं है वह व्यक्ति दया या रहम का हकदार नहीं है। तुहाडे वल्लों पार्लीमेंट विच दिते हुए बयान ते मैं यही कहना चाहुंदा हाँ कि तुसी मेरे ते ओ कानून लागू करन दा यतन कर रहे हो जिहड़े अजे देश विच लागू ही नहीं होए। फिर भी मैं तुहानू ये दसना चाहुंदा हाँ कि मैं कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर पछतावा किस गल दा माफ़ी किस गल दी। मैं तुहानू ये याद करवाना चाहुंदा हाँ कि तुहाडी पार्टी दे सिरमौर आगू अते देश दे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लीमेंट विच खड़ के कहा सी कि 1984 विच कांग्रेसी हुक्मराना वालों सिखां दे सर्व उच्च धार्मिक स्थान रूहानियत दे केंद्र श्री दरबार साहिब जी ते टैंकां ते तोपां नाल कीता गया हमला अते हज़ारां निर्दोष सिखां दा कीता गया कतलेआम देश दी एकता ते अखंडता दे सीने विच खोभिया होया खंजर है। कांग्रेसी हुक्मराना वालों कीते हुए गुनाह अते पाप हन। हुण तुसी ही दसो कि देश की एकता ते अखंडता दे सीने विच खंजर खोभण वाले गुनाहगारां नाल पापियां नाल खड़ना उन्हां दी पुश्त पनाही करना गुनाह है जां इन्हां पापियां दे खिलाफ लड़ना गुनाह है। तुहाडे वल्लों पार्लीमेंट विच दित्ता होया बयान कांग्रेसी हुक्मरानां दे जुल्मां नाल जख्मी होईयां सिख भावनावां दा अते मोदी जी वल्लों प्रगट कीतियां भावनावां दा अपमान है। अमित शाह जी जिथों तक देश दे संविधान नूं मन्नण दी जां ना मन्नण दी गल है मैं अदालत विच सच बोलिया मैं जो भी कीता उसनूं अदालत विच स्वीकार कर लिया। मैं अदालतों नूं ये भी दस्सिया है कि मैं ये सब क्यों किया है। मैं अदालतों की झूठी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनिया। तुसी कहंदे हो कि संविधान नूं नहीं मानता। मैं तुहानूं ये पूछना चाहुंदा कि हज़ारा निर्दोष सिखां दा दिल्ली दीआं गलियां विच कतलेआम करन वाले गुजरात दंगियां दे दोषी बीबी बिलकिस बानो दे गुनाहगार अते होर भी घिनौने तो घिनौने अपराध करन वाले सारे गुनाहगार अते अपराधी की संविधान नूं मनण वाले लोग हन कि संविधान उन्हां नूं ये सारे घिनौने अपराध करन दी इजाज़त दिंदा है। फिर तो अजब है तुहाडा संविधान नूं मनण दा फलसफा कि जिन्हें मर्जी घिनौने तो घिनौने अपराध करो फिर अदालतों में आके मुनकर हो जाओ केस लड़ो तो अपने आप नूं निर्दोष साबित करो अते रिहा हो जाओ कि फिर तुहाडा संविधान नूं मनण दा इह सारा वर्तारा झूठ धोखे फरेब अते गुनाहगारां अते अपराधियों की पुश्त पनाही नहीं कर रहा। इस झूठ के चल रहे कारोबार के विचों सच नूं समर्पित सभ्यक समाज की सिरजना किवें हो सकेगी तुहानूं सोचण की लोड़ है। तुहानू सच तो डरन की नहीं सगो सच का सन्मान करन की जरूरत है नहीं तो साढ़े जीवनों के विचों सच समाप्त हो जाएगा। वैसे सच अते हुक्मराना का सदियों तो ही वैर रहा है। उन्हें अगे कहा कि अमित शाह जी जदों मैं अदालत विच अपने किते नूं स्वीकार ही कर लिया उसके बदले मिली सज़ा नूं भी हस के स्वीकार कर लिया फिर किसी अगे कोई अपील करन दा जां फिर किसी तो रहम मंगन दा तां कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। यह अपील जिहड़ी तुहाडे कोल पिछले 12 सालों तो विचार अधीन है यह अपील समुची सिख कौम दीआं भावनावां दे अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब जी दे आदेश ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों पाई गई है जिस नूं देश दे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया जिस ते कार्रवाई करदे होए देश दे गृह मंत्रालय ने मेरी फांसी की सज़ा ते रोक लगा दित्ती। जिस अपील ते तुहाडी सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी दे 550 साल प्रकाश पुरब ते एक नोटिफिकेशन जारी करके मेरी फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद विच बदलन दा ऐलान किया। जिस अपील ते फैसला लैण लई देश दी सुप्रीम कोर्ट दे 3 चीफ जस्टिस साहबाना ने तुहानूं 7 ऑर्डर जारी कीते अते जिहड़ी अपील पिछले 12 सालां तों तुहाडे कोल विचार अधीन पई है उस अपील ते अज तुहाडे वल्लों कोई किंतु परंतु करना इन्हां सारियां ही संस्थावां दा अपमान है। फिर भी इस अपील ते कोई भी फैसला लैणा तुहाडा अधिकार खेतर है जिस फैसले दा मैं बहुत लंबे समें तों इंतजार कर रहा हाँ। उंज भी श्री अकाल तख्त साहिब जी तो किसी गुनाहगारां की पुश्त पनाही नहीं की जाती सगों कौम दीआं भावनावां की रहनुमाई और सन्मान ही किया जाता है। ताही तां हज़ारां सिख नौजवानों नूं झूठे पुलिस मुकाबलें विच मारन वाले 4% जाली वोट नाल धक्के नाल बने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के पापां अते गुनाहां दा अंत करन वाले भाई दिलावर सिंह जय सिंह वाला नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी वल्लों कौमी शहीद का दर्जा दिता गया है। सिखों वल्लों भाई दिलावर सिंह जय सिंह वाला की फोटो सिख अजायब घर विच बहुत ही मान नाल सुशोभित की गई है। हुण तुसी ही जेकर कांग्रेस के पापां दा हार बना के अपने गल विच पौना चाहुंदे हो तां फिर उसदा भी स्वागत है। उन्हें अगे कहा कि अमित शाह जी अजे पिछले दिन ही भारत सरकार ने साहिबजादियां दे शहीदी दिवस नूं समर्पित वीर बाल दिवस पूरे देश विच बहुत ही श्रद्धा नाल मनाया है। इस मौके भी प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देश साहिबजादियां दीआं महान शहादतां तों प्रेरणा लै रहा है। साहिबजादियां दीआं शहादतां तों तां जुलम दे खिलाफ गुनाहगारां दे खिलाफ अते पापियां दे खिलाफ लड़न की प्रेरणा मिलती है ना कि जालमां तों अते पापियां तों रहम मंगण दी अते उन्हां दी ईन मन्नण दी।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਝੂਠ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਵਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।